गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जीएसटी का जो न्यू रिटर्न फॉर्मेट दिया गया है उससे रिलेटेड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये जीएसटी न्यू रिटर्न क्या है, किसे फाइल करना है और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, वो सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी न्यू रिटर्न सुगम किसे फाइल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटीएन ने जीएसटी के न्यू रिटर्न फॉर्मेट्स जीएसटी सुगम RET3, जीएसटी सहज RET2 एंड जीएसटी क्वार्टरली रिटर्न जो है वो नई रिटर्नों का फॉर्मेट जीएसटीएन के पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया गया है PDF फॉर्मेट में। मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसके रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज ये आ रही थी कि सर हमें कौन से रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि किसको कौन से रिटर्न फाइल करनी है और जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्या डिटेल्स हम लोगों को डालना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जीएसटी का जो सुगम रिटर्न है वो किनको फाइल करना है और उसमें क्या क्या जानकारियां आप लोगों को देनी पड़ सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इससे निकल के आ रहे हैं। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी सुगम RET3 के बारे में, और दो रिटर्न है सहज और क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि इट इज ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। दैट मींस कि अगर आपका पिछले साल का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का था तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप जीएसटी सुगम ऑप्ट कर सकते हैं, जीएसटी सुगम RET3 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, आप जीएसटी सुगम नहीं भर पाएंगे। आपके लिए जीएसटी का जो क्वार्टरली रिटर्न है नॉर्मल वाला वो रहेगा और वो मंथली होगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अगला पॉइंट निकल के आता है इट इज टू बी फाइल्ड क्वार्टरली। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम रहता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जीएसटी सुगम RET3 भरेंगे और ये जो रिटर्न फाइलिंग का फ्रीक्वेंसी होगा ये मंथली नहीं होगा, ये होगा क्वार्टरली। जी हाँ फ्रेंड्स, सुगम RET3 क्वार्टरली भरी जाएगी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है। अगला पॉइंट निकल के आता है टैक्सपेयर्स मेकिंग बोथ B2B एंड B2C सप्लाई कैन फाइल जीएसटी सुगम RET3। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सपोज करते हैं आप एक छोटे दुकानदार हैं या छोटे डीलर्स हैं और आपका B2B भी सप्लाई हो रहा है और B2C भी सप्लाई आप कर रहे हैं, B2B का मतलब हो गया आप भी रजिस्टर्ड हैं, जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हैं वो बंदा भी रजिस्टर्ड है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड हैं और जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं वो एक कंज्यूमर है या वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब आप बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं तो आप जीएसटी सुगम RET3 का हेल्प ले सकते हैं, आपको ये वाली रिटर्न फाइल करने मिल जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ B2C का ट्रांजैक्शंस है तो आपको सुगम रिटर्न का भी यूज नहीं करना है, आपके लिए अलग एक फॉर्मेट बनाया गया है जीएसटी सहज, जिसके बारे में मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो यहां पर ये तीन चीजें क्लियर हो गई कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको क्वार्टरली जीएसटी सुगम RET3 भरना है। अगर आपके पास दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, B2B ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और B2C ट्रांजैक्शंस भी होती हैं तब। उसके बाद चौथा पॉइंट निकल के आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स शुड नॉट फाइल दिस रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे बिजनेस में इंक्लूड हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है, मतलब अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आप जीएसटी के अंदर सुगम RET3 नहीं भर पाएंगे, आपके लिए जीएसटी का जो नॉर्मल मंथली रिटर्न है वही लागू रहेगा जो अभी आप फिलहाल फाइल कर रहे हैं। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए ये रिटर्न इसीलिए नहीं लागू किया गया क्योंकि इसके अंदर TCS का या TDS का जमा करने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ये रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। अगला पॉइंट निकल के आता है टैक्सपेयर्स मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई कैन नॉट फाइल दिस रिटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट की टर्नओवर है, जीरो रेटेड सप्लाई,
एक बेसिकली जीरो रेट सप्लाई का मतलब होता है जो आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शंस या एक्सपोर्ट सप्लाई जो आपकी होती है वो, या फिर सप्लाईज टू एसईजेड्स, एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट्स को अगर आप दे रहे हैं सप्लाई, तो आपके अंदर जीएसटी सुगम RET3 फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुगम रिटर्न फाइल ऑप्ट नहीं कर सकते, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो या उससे कम भी क्यों ना हो। अगला पॉइंट निकल के आता है, इफ एनी इनवॉइस सप्लाई इज नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर देन टैक्स पेयर कैन नॉट ऐड दैट मिसिंग इनवॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से इस रिटर्न से ये निकल के आ रहा है। सपोज करते हैं आपने किसी एक सप्लायर से कोई परचेज लिया है, परचेज इनवॉइस आपके पास पड़ा है, लेकिन आपके सप्लायर ने वो वाला पर्टिकुलर इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, तो आपके पास अगर आप सुगम रिटर्न ऑप्ट करेंगे तो आप उस मिसिंग इनवॉइस को ऐड नहीं कर पाएंगे रिटर्न के अंदर। जबकि जीएसटी का जो नॉर्मल रिटर्न है उसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई इनवॉइस मिस हो जाता है तो रिसिपिएंट जो है अपने हिसाब से उस इनवॉइस को ऐड कर सकता है अगर वो माल उसने परचेज किया है या वो सर्विसेज उसने ली है। लेकिन सुगम RET3 के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जीएसटी सुगम RET3 का, जिससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उस पर हैम्पर होता है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से आपको परेशानी आ सकती है जीएसटी सुगम RET3 में। अगला पॉइंट निकल के आता है, इन दिस रिटर्न एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप जीएसटी सुगम RET3 ऑप्ट करते हैं और अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, दैट मींस कोई आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई जैसे राइस व्हीट वगैरह वगैरह कुछ सामान आप सप्लाई करते हैं, या नॉन जीएसटी सप्लाई अगर आप करते हैं, तो दोनों ही कैटेगरी के जो सप्लाईज हैं उन सप्लाईज को आपको जीएसटी सुगम RET3 के फॉर्म में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि फिलहाल होता है, अगर आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो आपको उसके अंदर अपनी एग्जेम्प्टेड सेल्स, अपनी नॉन जीएसटी सप्लाईज, सारी डिटेल्स उसमें दिखानी पड़ती है सेपरेट कर करके कि कितनी एग्जेम्प्टेड सेल्स हैं, कितनी नॉन जीएसटी सेल्स हैं, सारा डिटेल्स उसमें देना पड़ता है। लेकिन जीएसटी सुगम RET3 के लिए आपको इन दोनों चीजों का डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगला पॉइंट निकल के आता है, ITC ऑन कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी क्लेम्ड थ्रू दिस रिटर्न। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने अपने फैक्ट्री के लिए कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है या अगर आप कैपिटल गुड्स पे कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास जीएसटी सुगम RET3 फॉर्म के अंदर कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जो सुगम का रिटर्न फॉर्म है ये छोटे व्यापारियों के लिए डिजाइन किया जाए, तो इसके अंदर कैपिटल गुड्स का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपके पास ITC ऑन कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी क्लेम थ्रू दिस सुगम RET3। अगला पॉइंट निकल के आता है, RCM टू बी डिक्लेयर्ड इन दिस रिटर्न फॉर्म। अगर आप जीएसटी सुगम RET3 फाइल करते हैं या ऑप्ट करते हैं, या आप तीनों रिटर्न फॉर्मेट में से कोई भी रिटर्न फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं, तो आपको रिनवर्ड सप्लाईज जो आपने 9 सबसेक्शन 3, अगर आप ऐसे कोई सप्लाईज ले रहे हैं जैसा कि हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या लीगल सर्विसेज कुछ अक्वायर कर रहे हैं जिसमें कंपलसरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू किया गया है, अगर आप ऐसी कोई सप्लाईज लेते हैं या फिर आप ऐसी कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर कुछ अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सामान ले रहे हैं जिसपे रिवर्स चार्ज लागू किया जाएगा, तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जो जमा करना है वो इस रिटर्न के अंदर आपको शो करना होगा। उसको आप स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप जीएसटी सुगम रिटर्न भर रहे हो, चाहे आप जीएसटी सहज रिटर्न भरते हो, चाहे आप जीएसटी की नॉर्मल न्यू रिटर्न भर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जीएसटी का नया रिटर्न फॉर्मेट्स है ये अभी GSTN पोर्टल पे अवेलेबल तो करवा दिया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टैक्स पेयर्स के लिए ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई 2019 से ये सारे टैक्स पेयर्स अक्रॉस द कंट्री मैंडेटरी कर दिया जाएगा एज पर द एप्लीकेबल रूल्स। तो 1/4/2019 से लेके 30 जून 2019 तक आपको अपनी GSTR 3B और GSTR 1 एज यूजुअल जैसे फाइल कर रहे हैं उसी प्रकार से फाइल करनी है, क्योंकि उसकी डेट्स जो है ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि न्यू जीएसटी सुगम रिटर्न 3 से रिलेटेड आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी जीएसटी सुगम रिटर्न भरने की सोची हुई है या वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस वीडियो को देख करके वो इस रिटर्न का कुछ फीचर समझ पाए और उनको क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है वो अच्छे से अपने आप को एनालिसिस कर पाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।